हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स, और खाना वाना अभी बनाएंगे। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज पुदीने की चटनी और ककड़ी की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए, पुदीना ला रखा है मैंने, बहुत अच्छा पुदीना आ रखा है मार्केट में। तो यहाँ पर नींबू और टमाटर रखा है, मिर्ची। तो हम देसी स्टाइल से बनाएंगे आज चटनी को। तो देसी स्टाइल से बनाएंगे तो लहसुन का उसमें अहम रोल होता है, तो लहसुन ज़रूर डालेंगे। और ये पुदीना, तो इसको धो लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इनको अभी धो लेते हैं अच्छे से, इसको वॉश कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पुदीने को, 3-4 पानी से अच्छे से धो लिया है। और अभी इसकी बनाएंगे चटनी, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चटनी के लिए हम लेंगे मिक्सी का जार, और इसके अंदर डालेंगे लहसुन, और ये हमारा पुदीना जो एकदम फ्रेश है। इसमें हरी मिर्ची और ये लाल मिर्ची भी डालेंगे, और लास्ट में डालेंगे नींबू। तो डाल देते हैं इसके अंदर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, और इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, जितने भी आप क्वांटिटी लो उतने नमक डाल लीजिएगा। और मैंने डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, और लाल मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि पाउडर नहीं डालेंगे, वैसे ही लाल मिर्ची डाल दी है, और चुटकी भर डाल देते हैं टेस्ट के लिए। और ये थोड़ा सा जीरा डालेंगे, एक पिंच जीरा डाल देंगे तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी इनको पीस लेते हैं, 1/2 नींबू का रस डाल के पीस लेते हैं इनको। तो 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीस लेंगे ताकि थोड़ी थिक बने चटनी हमारी, थोड़ी सी थिक रहेगी तो अच्छी लगेगी। देखिए, ये मैंने नींबू डाल दिया है। तो जी, यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच पानी का डाला है ताकि अच्छे से पीस जाए। ये देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है बिल्कुल। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है, पूरी पराठे या फिर चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो बना के ज़रूर खाइए, चलाइए देखिए। Thank you.